राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में आज भी बारिश का दौर जारी है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश और जलभराव के कारण लोगों को घरों से निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दिल्ली में बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। इधर बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले एक दो दिनों तक दिल्ली में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही मौजूदा हालात को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के तमाम इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर समेत कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली, जिसके चलते कई इलाके जलमग्न भी हो गए। मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये दौर सितंबर के पहले 10 दिन तक चल सकता है। और इसी खबर पर दी अपडेट के साथ हमारी संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। जी प्रीत किरण, देखिए देश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना बताई जा रही है और राजस्थान की बात करें तो 11 सितंबर तक फिर मॉनसून एक्टिव रहने वाला है। ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से सितंबर के महीने में औसत जो बारिश होती थी उससे कहीं ज्यादा दर्ज की गई, हाँ पिछले दो दिनों में जिस तरीके से बारिश हो रही है और आने वाले जो दिन है 17 सितंबर तक बताया जा रहा है कि जो मॉनसून है वो चल सकता है अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में। अगर IMD मौसम विभाग की बात करें तो पूर्वानुमान ये लगाया गया है कि जो उत्तरी जो भारत है यहाँ पर 4 सितंबर तक हल्की और मध्य बारिश हो सकती है, यानी कि येलो और ऑरेंज अलर्ट दिल्ली और NCR के अलग अलग इलाकों में ये जारी किया गया है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए मुंबई की, तो आने वाले दो दिनों में जो बारिश का सिलसिला है वो चलेगा। हालांकि राजस्थान में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन 10 सितंबर तक जो बारिश है वो इस तरीके से ही जारी रहेगी। एक अलग जो मौसम पूर्वानुमान है जो क्लाइमेट है उनकी तरफ से ये अनुमान लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ में भी 2 से 3 दिन तक बारिश का दौर जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अगले 4 दिन तक लगातार इसी तरीके की जो बारिश है वो होती रहेगी। सामान्य से ज्यादा बारिश सितंबर में दर्ज की गई है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो अगस्त में जो बारिश जो कम देखी गई थी इसकी कहीं ना कहीं पूर्ति सितंबर में हो रही है। हालांकि लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं दिल्ली में, इस तरीके की जो बारिश है वो कम ही देखने को मिलती है। दिल्ली में जलभराव की बहुत ज्यादा स्थिति हो गई है। दिल्ली के अलग अलग इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। स्कूल क्योंकि खुल गए हैं आप दिल्ली में तो बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा लगातार जिस तरीके से सुबह के समय जो बारिश होती है उसकी वजह से पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति है। तमाम जो दिल्ली के जो मेन जो इलाके हैं लुटियंस जोन की बात करें जहाँ पे तमाम सांसदों के बंगले हैं वो पूरी तरीके से इलाका जो है पानी से भर चुका है। ITO जो मुख्य रोड है वो पानी से लबालब भरा हुआ है। तो ऐसे में दिल्ली में और दो दिन अगर इसी तरीके की बारिश हुई तो कहीं ना कहीं दिल्ली में बाढ़ की स्थिति जरूर बन जाएगी। आयुष जी, प्रीतिरन आपने बाढ़ की बात करी, अगर हम राजस्थान की बात करें तो जब पिछली बार बारिश हुई थी तो ऐसे बहुत से राजस्थान में जिले थे जहां पर आपको बता दें कि बाढ़ की आशंका थी और सरकार की तरफ से भी बहुत कुछ किया गया था, तो इस बार ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो लग रहा है कि बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं? देखिए सीकर में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, झुंझुनू में बारिश हो रही है, यहाँ उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगर बारिश नहीं थमी तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस बार अभी ये कहा जा रहा है कि बारिश जो है रुक रुक के होगी, 10 सितंबर तक जो बारिश है लगातार नहीं होगी। अनुमान ये लगाया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि अगले दो दिन का जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा, जिस तरीके से हल्की जो बारिश है वो हो रही है, और उसके बाद बीच में करीबन 4 दिन का 5 दिन का ब्रेक आएगा ताकि उस बीच में मौसम विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसके बाद जो दूसरा दौर है वो फिर शुरू होगा जो कि 10 सितंबर तक जारी रहेगा। तो ऐसे में बाढ़ की जो बहुत ज्यादा स्थिति है, बहुत ज्यादा
खराब हालत है इसकी उम्मीद नहीं की जा रही है, क्योंकि जो बीच का जो दौर है उस समय धूप खिली रहेगी। तो ये जो अनुमान है इसके अनुसार बाढ़ की जो स्थिति फिलहाल जिन इलाकों में बनी हुई है वहाँ कहीं ना कहीं अगर दो दिन अगर जो मौसम विभाग अगर जिस तरीके से अनुमान लगाया गया दो दिन अगर बारिश थोड़ी कम होती है तो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कत करना पड़ेगा लोगों को। जी शुक्रिया प्रीत किरण तमाम जानकारी साझा करने के लिए।